So who are angels? Who are your guardian angels? Who are archangels? तो क्या difference है इन सब में? Difference तो है ना? नमस्कार, so I'm Ritu Kohli and I welcome you all on my this channel and I'm really grateful you know to all my viewers for supporting me, for giving me so much love. So अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉपअप हुई है आपके सामने, ट्रस्ट मी योर एंजल्स आई थिंक दे वांट टू गिव यू सम मैसेज. ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे दैट हु आर गार्डियन एंजल्स और यू नो एंजल्स फॉर दैट मैटर. हम सबसे पहले एंजल्स के बारे में समझते हैं कि कैसे आपको यू नो क्या क्या साइंस आपको मिल रहे हैं डेली रूटीन में. ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा कॉमन सा साइन होता है हम सबके लिए वो रहता है हमारा बटरफ्लाइज, है ना. बटरफ्लाइज हैं, फेदर्स हैं. तो दिस इज अ वेरी वेरी यू नो अ वेरी कॉमन साइन विच वी यूजली कीप गेटिंग फ्रॉम आर एंजल्स. बटरफ्लाई, सबसे पहले मैं बटरफ्लाई के बारे में बात करती हूँ. सो अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत ही फ्रिक्वेंटली दिख रही हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में, आप कहीं जाते हैं आपको बटरफ्लाई दिखती हैं, यहाँ तक कि आप अपना मोबाइल खोलते हैं वहाँ पे आपको बटरफ्लाई दिख रही हैं, आप टीवी में कुछ देखते हैं वहाँ पे आपको बटरफ्लाई दिख रही हैं, और यू नो इफ यू आर ओपनिंग अ मैगजीन वहाँ पे आपको बटरफ्लाई दिख रही हैं. सो दैट मीन्स कि यू नो योर एंजल्स यू नो दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. कैसे समझ में आएगा कि क्या बता रही हैं? ठीक है, सो मान लीजिए कि आपको से फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग वाइट कलर बटरफ्लाई, बहुत कॉमनली सबको दिखती हैं, बहुत जल्दी से दिखती हैं. क्यों? बिकॉज वाइट एक तो रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को. ठीक है, सो अगर आप ऑलरेडी यू नो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, सो दैट मीन्स दैट दे आर ट्राइंग टू टेल यू प्लीज कंटिन्यू टू वॉक ऑन दिस पाथ, है ना. आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जो भी कर रहे हैं लाइफ में. हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट हो कि क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ, क्या मेरी जो लर्निंग्स हो रही हैं, मान लीजिए आप कोई हीलिंग मोडालिटी आप सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, से यू नो मे बी रेकी और एंजल हीलिंग और यू नो प्राणिक हीलिंग और यू नो टैरो रीडिंग आप सीख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं. सो आपको लग रहा है पता नहीं क्या मैं ठीक भी कर रही हूँ, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ना. हो सकता है बिकॉज ऐसा बहुत सा बार ही होता है, मैंने देखा है कि काफी लोग जो हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, बट उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है तो उसका मतलब कि दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, जस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, है ना. सो हैव दैट पेशेंस, हैव दैट फेथ. जो भी आपने चूज किया है लाइफ में उस टाइम पे, जो भी फेज आपका चल रहा है, सो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. ठीक है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होना इट इज लाइक यू नो जैसे कहते हैं ना कि बहुत इजी नहीं होता इस पाथ पे चलना. ठीक है, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं माइंड में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, है ना, बट उसी को ही आपको पार करके, है ना, तो तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है. ठीक है, विद दैट पॉजिटिव माइंड सेट. तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, तो आप जो भी कर रहे हैं इसका मतलब कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं. और अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, सो दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट यू नो दिस इज द टाइम कि अब आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए. ठीक है, सो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये सीखना चाहिए, यू नो लाइक जैसे मैंने अभी बताया, जो भी स्पिरिचुअलिटी से है आपको अपनी नॉलेज के जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए. तो उसमें आप सोचिए मत, ठीक है, सोचने में टाइम मत खराब करिए, उसके ऊपर एक्शन ले लीजिए. ठीक है, सो एक तो ये हुआ. नाउ इफ यू आर सीइंग एनी यू नो येलो कलर बटरफ्लाई, आपको अगर येलो कलर की बटरफ्लाई दिख रही है तो उसका मतलब क्या हुआ? सो येलो रिप्रेजेंट्स यू नो जॉयफुल. तो मतलब कि आपका अगर लाइफ में, आपके अगर लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है, कोई भी ऐसे सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे यू नो यू डोंट फील यू नो एनी लाइट, मतलब आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बिल्कुल ही डार्कनेस है. ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको येलो कलर की बटरफ्लाई दिख रही हैं, सो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट मे बी यू नो मोर जॉयफुल इन लाइफ, है ना. डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए, जो भी आपका कहते हैं ना कि कोई भी आपका पैशन है उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए. ठीक है, वो फॉलो करना स्टार्ट करिए बिकॉज दिस इज द टाइम टू टू इन्हांस योर क्रिएटिविटी. अगर आपके अंदर कोई स्किल है
उसको अपग्रेड करिए, अपने स्किल्स को आप एनहांस करिए, उसकी लर्निंग्स में आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, राइट, रादर देन फोकसिंग कि जो आपके लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है वो चैलेंज अपने आप गायब हो जाएगा, राइट. सो हाँ, मतलब अगर आप येलो कलर की बटरफ्लाई देख रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू टेल यू एंजॉय योर लाइफ, है ना, टाइम मत खराब करिए इन सब चीजों में. तो एक ये हुआ. नाउ अगर इफ यू आर सीइंग एनी ब्राउन कलर बटरफ्लाई, ठीक है, अगर आपको ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखती है, सो दैट मीन्स कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है इन योर करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपके लिए वो काम कर रहे हैं, है ना, कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी, से फॉर एग्जाम्पल, यू नो, अगर मनी से रिलेटेड या आपको अपने बिजनेस या जॉब से रिलेटेड अगर आपको कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उस टाइम पे, सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए काम कर रही हैं कि सब कुछ यू नो ठीक हो जाए, ठीक है. सो डेफिनेटली अगर आप ब्राउन कलर के जो है बटरफ्लाई देख रहे हैं, सो हैव फेथ, है ना, हैव दैट पेशेंस, हैव दैट फेथ, यू नो, इन गॉड कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, और एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून, डोंट वरी, ठीक है. और मैं कहती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई और कलर की बटरफ्लाई दिखती है, तो ऑलवेज यू नो रिमेम्बर कि सब कुछ यू नो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू यू नो गेट लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना, जो भी आपकी करंट सिनारियो है, कोई भी आपका करंट सिचुएशन है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करते चले जाइए. आप उस वक्त सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, बाहर की आवाज़ को, यानी कि बाहर लोग आपको क्या कह रहे हैं उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है. सो एक ये चीज़ हुई. दूसरा मैं बताऊंगी, अगर आप यू नो फेदर्स बहुत देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको फेदर्स यू नो आपको लग रहा है कि आप कहीं बाहर निकलते हैं तो सडनली आपके सामने बिल्कुल कोई फेदर आ जाता है, है ना, मगर आसपास कोई बर्ड नहीं है, इन दैट केस, ठीक है, आसपास कोई बर्ड नहीं है मगर कहीं से उड़ के आप देखते हैं कोई फेदर आपके पास आके गिरा, सो दैट मीन्स अगेन यू नो योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. उस वक्त आपको ध्यान कहाँ देना है, उस वक्त आपको ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा था या मैं क्या सोच रही थी, उससे रिलेटेड यू नो आपको वो मैसेज मिल रहा है. और चाहे वो बटरफ्लाइज हैं, चाहे वो फेदर हैं, वो आपको तब तक दिखाई देते रहेंगे जब तक कि आप वो मैसेज डीकोड नहीं कर लेते, ठीक है ना. तो वो मैसेज डीकोड करना आप ही को ही पड़ेगा, आपके बिहाफ पे कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है. सो उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए. आपको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यू नो एट टाइम्स यू नो दे आर ट्राइंग टू वॉर्न यू ऑल्सो. आपको कहीं ना कहीं से कोई वार्निंग भी दे सकते हैं कि भैया अभी रुक जाओ, अभी कोई कोई डिसीजन मत लो. बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहूँगी कि आपको यू नो कोई ऐसा कोर्स कर लेना चाहिए, एंजल्स रिलेटेड या यू नो कोई भी ऐसा कोर्स कि जिससे कि आपको मेंटल क्लैरिटी हो, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई रहे. उस मतलब उसमें क्या होता है ना कि जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है ना, और जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है ना, तो आप ये मैसेजेस ना बहुत अच्छे से डीकोड कर सकते हैं, है ना. यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन, ठीक है, बाहर किसी से नहीं पूछना है कि अच्छा मुझे ये दिखा और वो दिखा, अच्छा इसका मतलब क्या हो सकता है उसका, नहीं, आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपके अंदर में कोई सवाल उठता है तो उसके आंसर्स भी आप ही के पास हैं, है ना, बाहर किसी के पास नहीं मिलेंगे आंसर्स, ट्रस्ट मी, राइट. बिकॉज मेरी आदत रही है शुरू से, मैंने हमेशा खुद की गट फील को मैंने फॉलो किया है. सो मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी गट फील को, यानी कि अपने इनर वॉइस को हमेशा सुने, उसको इम्पोर्टेंस दें, चाहे वो आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, बिकॉज चाहे वो लोग आपसे सहमत हैं कि नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो योर इनर गाइडेंस, बिकॉज उससे बेटर आपको कोई आंसर नहीं दे सकता लाइफ में, राइट. सो ये कुछ ऐसे साइंस हैं, और भी बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो हमें यू नो एंजल्स हमें देती रहती हैं, ये हमारे गार्डियन एंजल्स हमें देते रहते हैं. सो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए, बिकॉज मैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एंजल्स मैं आपके लिए लेती यू नो लेकर आती रहूँगी, और आपको समझ में आता रहेगा कि किस तरह से आपको मैसेजेस पे डीकोड करने हैं, ठीक है.
So thank you so much. And here I have one small angel. So this angel is giving you all the blessings, right? So God bless you all. And always, you know, keep smiling. Come me what? Always keep smiling. Wear that smile on your face. ठीक है, जब सुबह तैयार होते हैं ना तो एक smile भी अपने face पे, जब आप घर से बाहर निकलेंगे ना इतनी बड़ी smile लेके, तो universe ना it is going to support you a lot. ठीक है, so मेरी next video तक, thank you so much for watching and God bless you all.